नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, अगर आप दान देते हैं तो ये कहानी आपके बहुत काम की है, लेकिन अगर आप दान नहीं देते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत बहुत काम की है। बात दरअसल बहुत पुराने जमाने की है, जब ब्राह्मण लोग भिक्षाम देही कहते हुए या फिर जो गौतम बुद्ध के अनुयायी थे वो भी गांव गांव घर घर जाते थे और भिक्षा लेते थे और अपने जीवन को चलाते थे। ऐसे ही एक संत और उनका शिष्य एक घर पर पहुंचे भिक्षा लेने के लिए। अंदर से एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, बाबा जी प्रणाम, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप आगे जा सकते हैं। और ऐसा ही होता है, हम भी आगे ही बेचते रहते हैं, कहीं भी दान नहीं देते हैं तब। तो बाबा जी ने कहा कि बेटी कोई बात नहीं, तुम अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। बच्ची गई और एक मुट्ठी मिट्टी लाकर भिक्षा पात्र में डाल दी। बाबा जी आगे चल पड़े। शिष्य ने पूछा कुछ देर बाद कि बाबा, मिट्टी भी भला कोई लेने की चीज है, ये क्यों लिया आपने दान में? तो बाबा जी ने कहा कि थोड़ी सी मिट्टी देने से उसके मन में दान देने की बच्ची की भावना जगी है। आज वो मिट्टी दे रही है और कल जब वह बच्ची सामर्थ्यवान बनेगी तब फूल फल और धन भी दान करेगी। लेकिन आज अगर उसके मन में मना करने की प्रवृत्ति जम गई, बस गई, तो वो जिंदगी भर जरूरतमंद लोगों को मना ही करती रहेगी। क्या सीख मिलती है? बच्चों को शुरू से ही अच्छे काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, दान और किसी प्रकार की सेवा करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। छोटा सही हो लेकिन शुरुआत जरूर करिए, तभी वो बड़े होकर अच्छे परोपकारी इंसान बनेंगे। उम्मीद है प्रिय साथियों, आज से आप दान करेंगे और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि कुछ भी, एक रोटी ही कौवे को, गाय को, कुत्ते को खिला दीजिए, वही बहुत है। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।